हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। नया हफ्ता शुरू हो गया है और बिटकॉइन के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन के अलावा क्रिप्टोकरेंसी मार्केट की तो हालत थोड़ी और ख़राब होती यहाँ दिख रही है, क्योंकि बिटकॉइन फिर भी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है और वहाँ होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं बिटकॉइन के पेयर के अंदर, वो और अच्छे गिरते जा रहे हैं। तो ये रीज़न क्या है बिटकॉइन के गिरने का, बिटकॉइन यहाँ क्यों गिर रहा है और यहाँ हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर दो कॉइन्स की बात करेंगे जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा क्वेरी कर रहे हो। सबसे पहला है पैनकेक स्वैप का केक टोकन, क्योंकि वो जो है लास्ट ईयर 2022 में जो लो बनाया था उससे भी नीचे गिर गया है, $2 के नीचे आ गया है, उसका क्या लगता है। और साथ साथ बात करेंगे यहाँ पे मैटिक की, क्योंकि वो भी $1 के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। दोनों का समझने की कोशिश करेंगे और उनका फ्यूचर क्या हो सकता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, बना तो हुआ हूँ ना आपके साथ में, तो अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को लाइक नहीं करके जा रहे हो आप। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, नया हफ्ता है और आपको पता है वो वाइट कॉलर, वो बाबू लोग होते हैं, बैठते हैं सिस्टम में, तो कोई न्यूज़ नहीं है। चलो कुछ ना कुछ तो करें। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में इसके पीछे एक न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो है बाइनेंस की। और बाइनेंस ने दूसरी बार बिटकॉइन के जो विड्रॉवल्स हैं होल्ड किए हैं या हाल्ड किए हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, यानी कि अब लोगों को विड्रॉल नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये टेम्परेरी है। और इसके पीछे का रीज़न आपको बताओ, क्योंकि बाइनेंस कोई छोटा मोटा एक्सचेंज तो है नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। अगर वो ऐसी चीज़ करता है, विड्रॉल को पोज करता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर आ जाता है कि भैया ये पोज क्यों किया। और इसकी वजह से यहाँ पे सुबह की आज बात करें, लगभग 7:30 बजे के आसपास बिटकॉइन दोबारा $28,000 पे आ गया। लेकिन ये दूसरी बार ऐसा क्यों हुआ, बाइनेंस की तरफ से जो रीज़न निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि जो बैकलॉग है, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस हैं बहुत ज़्यादा वहाँ से विड्रॉल हुए हैं, लेकिन बैकलॉग के अंदर फंसी हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होंगी हम विड्रॉल को पॉज यहाँ पर रखेंगे, लेकिन ये टेम्परेरी है। लेकिन ये बिटकॉइन के अंदर एकदम से ट्रांजैक्शन फीस क्यों बढ़ रही है, और बिटकॉइन के अंदर इतना जो है आप कह लीजिए ये जो है एकदम से लोड क्यों पड़ रहा है उसके नेटवर्क पे, उसका एक बड़ा रीज़न है, वो है ERC20 सुना होगा, TRC20 सुना होगा आपने, BEP20 सुना होगा बाइनेंस चेन का जो है। तो ऐसे ही अब एक जो चीज़ निकल के आ रही है, नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है BRC20, यानी कि BRC बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर भी अब टोकन यहाँ पर बनने शुरू हो गए हैं, और ये भी एक नया ट्रेंड निकल के आ रहा है। इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे किसी और वीडियो के अंदर, अगर आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन के अलावा अब इस चीज़ की वजह से जो प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से नेटवर्क पर ज़्यादा प्रेशर है और जो है ट्रांजेक्शन्स डिले हो रही हैं, और ये भी एक रीज़न निकल के आ रहा है कि बाइनेंस ने इसको होल्ड किया या हाल्ट किया, पॉज किया, कुछ भी कह लो, जो आपकी मर्ज़ी हो, जिस वर्ड से आपको समझ में आए, लेकिन ये टेम्परेरी है। लेकिन बिटकॉइन के अंदर टेक्निकली क्या हो रहा है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर कल जो है वो 50 जो डेली मूविंग एवरेज है, जो लगातार इसके लिए सपोर्ट बन के निकल के आ रहा था, उसके नीचे क्लोज किया और अभी उसके नीचे चल रहा है, यानी कि अब जो 28,600 डॉलर है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसके नीचे क्लोज किया है इसने। और अगर इसके ऊपर जल्दी ये क्विकली ऊपर नहीं गया या उसके ऊपर क्लोज नहीं किया तो प्रेशर बन सकता है, और हमारे दो लेवल्स जिस पे हम हमेशा वेट करते हैं कि आए हम एंट्री बनाएं और पैसा बनाने की कोशिश करें, तो वो लेवल आते हैं। पहला तो $27,500 से $28,000 का जोन जो मैंने आपको बताया, अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है 27,500 साढ़े 500 600 डॉलर समझ लीजिए, फिबोनाची की गोल्डन रेशियो है। यहाँ पे आए एंट्री बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टेक्निकली है। और दूसरी पार्ट की एंट्री जो है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि पार्ट में क्यों बाय करें, जब अगर नीचे आएगा तो आपको मौका तो मिले ना,
और उस मौके के लिए पैसे तो होने चाहिए ना। तो पार्ट में बाय करते हैं तो 100 जो डेली मूविंग एवरेज की बात करें या 200 वीकली मूविंग एवरेज की बात करें वो लगभग आता है $25,500 के आसपास और $26,000। तो ये दो जोन हैं, इसके अंदर आता है, एंट्री बनाओ शॉर्ट टर्म में। यहाँ दोनों पे पूरे चांसेस रहते हैं कि आपको बाउंस बैक करे। और अगर ये $25,500-$26,000 पे आ गया, लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच रहे हो तो एक अच्छा एंट्री लेवल आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। और 10 में से 8 बार बिटकॉइन हमेशा उस लेवल के ऊपर जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है उसके ऊपर बाउंस बैक करता है, यानी कि यहाँ पैसा बनाया जा सकता है। जैसा हमने 50 जो है डेली मूविंग एवरेज पे बार बार पैसा बनाया ना कि वहाँ हिट कर रहा है, बाउंस कर रहा है, ऐसे ही अगर ये फिबोनाची की रेशियो आती है $27,500 वहाँ आए हिट करे तो बनाओ। परेशान मत हो, अपॉर्चुनिटीज़ को देखो। और यहाँ पर बहुत इनोवेशन चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है और ये चीज़ों को आप एडॉप्ट करो। और वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, बहुत सारे लोग अभी मीम कॉइन कर रहे हैं, लेकिन मीम कॉइन का भी दौर है, लेकिन संभल के करना, पैसे मत गवा देना, क्योंकि पैसा बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है पैसा गंवाने से यहाँ पर। तो जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो और रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको और रातों की नींद ना उड़े। एक पर्सनल सजेशन थी, लाइक कर देना, क्योंकि हम तो बार बार आपको याद दिलाते हैं, लेकिन वो ये ना दिल है कि बच्चा है, दिल है कि मानता नहीं वाली स्टोरी, कि हम तो वहीं जाएंगे जी, क्योंकि वो चकाचौंध दिखती है, 100x दिखते हैं, 200-500x दिखते हैं, जो देखना है आप देखो, लेकिन प्लीज़ जो भी लो रिस्क अपना पूरा करके देख के चलो। अब यहाँ पर केक की बात करते हैं, पैन केक। इसके लिए हमने बकायदा पर्सनली मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था हमारी जो वेबसाइट है bi24.com पर, और उसके दो पहले समझ लेते हैं रीज़न क्या है और ये $2 से नीचे क्यों खिसक रहा है। एक तो जो लिक्विडिटी पूल के अंदर स्टेक करते हो और उसके बदले आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, वो अनलॉकिंग हुई, उसकी वजह से हमें जो है एकदम से इनफ्लो आता दिखा, उसका प्रेशर दिख रहा है। दूसरा, मार्केट के अंदर सिनारियो और इनकी टीम के अंदर जो कुछ है ये सुनने में आ रहा है, चेंजेस कर रहे हैं चीज़ों को लेके, तो इसकी वजह से ये प्रेशर बन रहा है। लेकिन आपको पता है कि हर दूसरा मीम कॉइन या आपके लिए 10 में से 7 मीम कॉइन इसी के नेटवर्क पर बन रहे हैं, तो इस टाइम पे मीम कॉइन का ट्रेंड भी है। तो ये प्लेटफॉर्म तो एक्चुअल में वर्किंग है ना, यूज केस है। तो यूज केस के हिसाब से देखें तो हमें लगता है कि पोटेंशियल है। अब हमें यहाँ करना क्या चाहिए, यहाँ पे भी 2-3 एंट्रियाँ आपकी बना सकते हो। और अगर मैं सपोर्ट तो इसने सारी तोड़ दी हैं और सपोर्ट तोड़ने के बाद ये नीचे जहाँ तक जाता जा रहा है इसकी आप डेप्थ को पता नहीं कर सकते, लेकिन हाँ यहाँ पे इसकी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं वो समझ लें। इस टाइम पे $1.9 के आसपास चल रहा है, अगर यहाँ पे मिल रहा है तो पहली एंट्री $2 के नीचे एक अच्छी एंट्री का मौका है। और दूसरी एंट्री, बुरे हालात होते हैं क्योंकि एक्चुअल में देखें तो प्रोजेक्ट के अंदर टीम के अंदर कोई इशू नहीं लग रहा है, और दूसरी एंट्री लगभग $1.5 से $1.6 पे आए, तो यहाँ 2 लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन हो सकता है ये पैनिक थोड़ा ट्रिगर हो, $1.5 से $1.6 तक जाए, तो इस चीज़ का आपने वेट करना है कि यहाँ तक जा सकता है, लेकिन यहाँ से भी बाउंस बैक करे तो इसकी भी फ़ायदा उठा सको। तो 2 लेवल पे आप एंट्री बना सकते हो और इनके जो टारगेट है 3-4 अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो हमें भी लगता है कि $8-$10 अगर 2025 की बात करें तो ये जा सकता है, 5-10x तक भी जा सकता है। इसका ऑल टाइम हाई $44 का है, ध्यान रखिएगा, और एक यूज्ड केस है। लेकिन इसके अंदर भी सारा पैसा नहीं, जैसे मान लो आपके पास में 100 रुपये हैं तो 5 रुपये मैंने इसके अंदर लगा दिए कि 5% की अगर इन्वेस्टमेंट को रिस्क ले सकते हो, कहने का मतलब है जितना आप रिस्क ले सकते हो और नीचे आए तो उसको झेल सकते हो तो ही इसके अंदर आप इन्वेस्ट कीजिएगा। मैटिक की बात करें, वीकली कैंडल के अंदर 50 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास इसको सपोर्ट है जो है $0.9, यहाँ पे एंट्री बनती है। हम लगातार इसके बारे में बोलते हैं कि $0.9, $1 के नीचे एक अच्छी एंट्री दे रहा है, $0.9 पे एक बहुत बढ़िया एंट्री अगर यहाँ मिले तो आप बना सकते हो, ये भी एक यूज केस है। अगर आप देखते हो तो इसके टारगेट या आप कह लीजिए रेजिस्टेंस है $1.2 है, हमें लगता है 1.2 से 1.25 और $1.5 तक ये शॉर्ट टर्म में भी जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल है अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने का भी,
तो यहाँ पे मैट्रिक के अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। बाकी दोस्तों अपनी रिसर्च पूरी करके चलिएगा, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, और जो हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं या जो हमें लगता है कि सही हो सकता है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, वो हम जो है कोशिश करते हैं। तो आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाइएगा, लेकिन अपनी रिसर्च करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों हर बार की तरह मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।